हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स एंड ट्रीज कैसे ग्रो करते हैं? कैसे एक छोटा सा सीड प्लांट करने से वो इतना बड़ा ट्री बन जाता है? जैसे कि आप सबको पता है, प्लांट्स और ट्रीज अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे, यही सब हम आज पढ़ने और समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण छापरवाल, वेलकम्स यू ऑन lecturedekho.com। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है। स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स। सम ऑफ द थिंग्स आर लिविंग and other are non-living. A dog, swing set, car, tree, flowers and a book are some of the things that make up the world. लेकिन organism जो है वो दो टाइप के होते हैं, living and non-living organism. Living organism can eat, breathe, grow, move, reproduce and have senses. The other kind is called non-living organism. Non-living organism जो हैं वो ना ही खाना खाते हैं, ना ही सांस लेते हैं, ना ही ग्रो करते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं दूसरे लिविंग organisms को। And they do not have any senses. An example of a living thing in the world, a tree or a flower, is a plant. And trees and flowers need air, nutrients, water and sunlight. Plant and trees जो हैं वो भी living organism ही हैं, और humans भी, and animals भी living organism हैं। और अगर बात करें non-living organism की, जैसे कि a car does not eat or grow, it does not move unless a person is driving it. It does not need air to breathe and it has no senses. It is a non-living organism. इसी तरह a swing set or book, table, chair, fan, AC and many things. ये सभी things भी ना ही grow करती हैं और ना ही move. तो हमने जाना और समझा कि non-living और living organism क्या है। अब समझते हैं आगे का चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। साथ ही समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हेल्प करते हैं, टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair the damaged part of their bodies, to provide energy, carry out life processes. तो nutrients की help से हम grow कर सकते हैं, body बना सकते हैं, और अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं और या फिर कभी चोट लग जाती है तो हमें वो ठीक करने में भी nutrients बहुत help करते हैं, और हमारे घर के बने खाने में भी बहुत nutrients होते हैं। इसीलिए बाहर का खाना अवॉइड करके हमें घर में जो बना हो वही खाना चाहिए। अब समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो बच्चों, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिज्म को जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। समझते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
Heterotrophic nutrition is nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants. कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड्स हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेटरोट्रॉप, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स। लेकिन अब सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम हेटरोट्रॉपिक्स क्यों हैं? तो बच्चों, हम जो भी फूड बनाते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलता है, फिर उसे हम कुक करते हैं और खाते हैं। लेकिन अब समझने की बात आती है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।